हे गाइस वेलकम, आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज का वीडियो नॉलेज पर्पज के लिए हमने बनाया है। ये वीडियो ना कि रिकमेंड है बाय और सेल के लिए। सिर्फ आपको मतलब रिसर्च कैसे करनी होती है इस कंपनी के बारे में, मतलब किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो कैसे रिसर्च करते हैं। तो एक स्मॉल कैप की कंपनी हमने ढूंढ के लाई है जो भी बेटर वर्क कर सकती है आने वाले कुछ फ्यूचर्स में, और अभी जो इसका जो इंडस्ट्रियल जो पी रेशो चल रहा है उससे भी डिस्काउंटेड का इसका पी रेशो चल रहा है। अभी मार्केट का जो इंडस्ट्री का पी रेशो लगभग 30 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो इसका पी रेशो, इस कंपनी का पी रेशो लगभग 13 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो और इसकी स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों 2000 करोड़ किसी मार्केट कैपिटल इनका है, और ग्रोथ देखी उनकी सेल्स देखी तो हमें लगभग 600 या 500 करोड़ के आसपास इनका ग्रोथ सेल्स देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बहुत ही बड़ी कंपनी है, और पैकेजिंग में ये पेपर प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। मतलब ये अपना जो कारोबार है वो उनका जो बिजनेस है लगभग पेपर प्रोडक्ट्स में आता है। पैकेजिंग्स हो या पैकेजिंग के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो बनाते हैं। तो ऐसी कंपनी के बारे में हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इनके जो बिजनेस है फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और थोड़ा सा इसकी कंपनी के बारे में जानेंगे। तो लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक स्टॉक की लिंक दे दी है। सिर्फ 15 मिनट में आप शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उस कंपनी के बारे में। मैंने आपको नाम बता दूँ दोस्तों, हुहतमकी PPL लिमिटेड, द पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब उन्होंने 1935 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद 1999 में वो बिकम मतलब मेंबर हो चुकी थी हुहतमकी पैकेजिंग वर्ल्ड वाइड में। तो अभी जो इसका नाम है वो भी चेंज होते हुए देखने को मिला 2014 में इनका नाम चेंज हुआ था हुहतमकी PPL लिमिटेड से। वो अभी करंट मार्केट प्राइस दोस्तों लगभग 272 के आसपास है करंट मार्केट प्राइस। आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट मतलब फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो ईयर टू डेट की बात की दोस्तों तो लगभग ये साल की शुरुआती दिनों में 246 के आसपास देखने को मिल रहा था, उसके बाद जो गिरावट देखने को मिल रही थी लगभग 170 के आसपास। मान लो उस प्राइस से अभी फिलहाल के प्राइस से लगभग 100 रुपये के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। ये कंसोलिडेशन फेज में अभी फिलहाल चल रहा है। इसने जो हाई भी बनाया था लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली ये अपने कंसोलिडेशन फेज पे ही देखने को मिल रहा है। मैक्स लेवल का रिटर्न देखेंगे, अगर मैक्स लेवल का ऑल टाइम मैक्स प्राइस देखेंगे दोस्तों तो लगभग 347 मतलब 350 के आसपास देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल हमें वो कवर होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में। ये 52 वीक हाई भी बना सकता है। तो सिर्फ ये नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो दोस्तों। रिटर्न देखेंगे लगभग 2420% का मैक्स लेवल का रिटर्न है टीयर, जब से ये कंपनी IPO आई थी उस अभी टिल डेट तक। अभी बात करेंगे तो पी रेशो भी यहाँ पे देखेंगे तो हमें लगभग 13 के आसपास देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड इल डिविडेंड देने के मामले में बहुत ही बढ़िया, मतलब इसका डिविडेंड इल भी बहुत ही सही लग रहा है। अभी देखते हैं इनके जो मॉडल के बारे में देखेंगे, मतलब इनका जो बिजनेस है पैकेज में, मैंने पहले ही बोला था कि पैकेजिंग में वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो मार्केट उनके प्रोडक्ट भी देखते हैं, उसके बाद हम रेवेन्यू भी देखते हैं उस कंपनी का कैसे रेवेन्यू रहा है। तो एक ही करके हम पूरी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मतलब इतने जो पैकेजिंग करने में अग्रेसर है दोस्तों, उसमें किटकैट भी आता है आपको, कैडबरी में हो, बिस्किट्स हो, तो और कॉर्नेटो भी सभी को पसंद है। वो रैपिंग करने का, ये पैकेजिंग करने का अग्रेसर है। उसमें कोलगेट भी मतलब वो पैकेज करते हैं, जिसमें और भी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो पैकेजिंग में वो अवेलेबल है। पेट फूड हो, उसमें पेडिग्री भी आता है। तो ऐसे पैकेजिंग करने में ये कंपनी अग्रेसर है। वो भी फिलहाल स्मॉल कैप कंपनी है, तो आगे चल के कुछ ऐसा लगता है। तो इस वजह से हमने एक रिसर्च करने के लिए सिर्फ ये आपके सामने ये कंपनी लाई है। अभी रेवेन्यू की बात किया जाए तो मार्केट शेयर लगभग दोस्तों इनका 65% के आसपास है। मतलब इन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया पैकेजिंग सेगमेंट पे 65%। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत बड़ा ये परसेंटेज होता है दोस्तों। किसी भी अगर कंपनी को मार्केट कैप्चर करती है तो उसका आगे चल के बहुत ही बिजनेस बढ़ सकते हैं। अगर रेवेन्यू देखेंगे, अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से लगभग 23
3% के आसपास इनका रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। और फूड सर्विस यूरोपियन एशियन और ओशियन से लगभग 28% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से लगभग 31% का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। और फाइबर पैकेजिंग में लगभग 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया इनका जो बिजनेस मॉडल है वो हमें देखने को मिल रहा है। और लोकेशन वाइज देखेंगे तो दोस्तों हमें इंडिया से लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 78.2% रेवेन्यू इंडिया से आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिनलैंड की कंपनी दोस्तों है हुतात्मा की जो है उसमें से लगभग 21% के आसपास इनका रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास दोस्तों अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है लगभग 66.9% के आसपास। मतलब यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर ज़्यादातर क्या ध्यान देगा कि कंपनी कैसे आगे वर्क करे, क्योंकि प्रमोटर जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी को बेटर ही वर्क कर चला जाने में इंटरेस्टेड होते हैं। और जितना ज़्यादा फायदा कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा प्रमोटर को देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग 1.2% के आसपास है। फॉरेनर इन्वेस्टर 4.5% के आसपास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टर लगभग 0.2% के आसपास है। और पब्लिक ऑर्डर में देखेंगे तो लगभग 27% आसपास देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मस्त है इनका दोस्तों। अभी फिलहाल हम जो फाइनेंशियल रिजल्ट है इनका जो डेटा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइज अपन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ चुके हैं तो थोड़ा फाइनेंशियल रिजल्ट भी इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूएशन देख लेते हैं। जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2000 करोड़ की कंपनी दोस्तों, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी। और बिजनेस ग्रोथ देखेंगे मतलब इनके सेल्स देखेंगे तो लगभग हमें 600 या 500 करोड़ के आसपास इनके सेल्स ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पी रेशो लगभग 13 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1.10% के आसपास देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर्स की बात की जाए तो लगभग 20 के आसपास देखने को मिला। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, किसी भी कंपनी के बारे में अगर जानना होता तो अर्निंग पर शेयर्स देखेंगे, मतलब पर शेयर्स इसके मतलब कितने अर्निंग हो रहा है, तो उस हिसाब से भी बहुत ही बड़ी हमें रिसर्च करना होता है, पूरी डिटेल्स में जानकारी लेना होता है। तो अभी नीचे हम देखेंगे इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी हम चेक कर लेंगे कैसे इनके सेल्स है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो लगभग यहाँ पे आप गौर कर सकते हो दोस्तों, लगभग जून के क्वार्टर में वो लगभग 633 करोड़ के आसपास को देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 673 करोड़ के आसपास उनका दिसंबर की क्वार्टर में 2019 के क्वार्टर में हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है मार्च के 2020 में। तो मार्च का आप सभी को पता है लॉकडाउन के पहले ही इनका जो क्वार्टर का रिजल्ट था तो वो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन जून के क्वार्टर के रिजल्ट में 2020 के अभी फिलहाल के वो हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें ग्रोथ होते हुए लगभग 635 करोड़ के आसपास इनका सेल्स ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें नेट प्रॉफिट जून के क्वार्टर 2019 के क्वार्टर में हमें लगभग दोस्तों 27 करोड़ के आसपास ग्रोथ होते हुए देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर में हमें लगभग 68 करोड़ के आसपास ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। थोड़ी उसके बाद हमें यहाँ पे जो मार्च का उसके बाद मार्च का देखेंगे तो लगभग 27 करोड़ के आसपास था, और अभी फिलहाल जो जून के क्वार्टर का रिजल्ट है वो 26 करोड़ के आसपास है। मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे यहाँ से एक चांसेस देखने को मिल सकते हैं, हमें प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कंपनी को आपको डेफिनेटली इसे रिसर्च करते रहना है, नॉलेज पर्पज के लिए आपको ऐसे कंपनी ढूंढते आना चाहिए जो कि हमें आगे चल के जिस आगे चल के प्रॉफिट दे सके, और जिसका प्रॉफिट सेल्स हो या नेट प्रॉफिट हो आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और आपने तो ये प्रमोटर भी देखेंगे तो प्रमोटर आप सब देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग हमें कंटिन्यूसली स्टेक करते हुए देखने को मिल रहा है। फॉरेनर इन्वेस्टर यहाँ पे हमें मार्च के 2020 में जितने होते थे वो वहाँ से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से स्टेक अपना कम होते हुए करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लगभग 7.54% के आसपास देखने को मिल रहे थे मार्च में, या फिर जून के यहाँ पे क्वार्टर में हमें वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी देखेंगे तो लगभग 0.72% के आसपास स्टेक होल्ड करते थे, लेकिन क्वार्टर में जून के क्वार्टर में वो म्यूचुअल फंड भी अपना स्टेक बढ़ा रही है। तो ऐसे कंपनी जब भी म्यूचुअल फंड हो या इन्वेस्टर्स हो तो जब भी स्टेक बढ़ाती है तो यहाँ पे एक संकेत होता है कि
इन्वेस्टर क्या पे दो गौर कर रहे हैं इस बिजनेस में, कंपनी में। अभी हम एनएससी के डेटा, एनएससी के ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि इनके डिविडेंड रिटर्न कैसे है, क्या कंपनी कैसे डिविडेंड देती है। तो 52 वीक हाई देखेंगे दोस्तों तो लगभग 337 के आसपास देखने को मिला 24 अगस्त के आसपास। मतलब यहाँ पे आप गौर कर सकते हो दोस्तों, इन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया था लेकिन इससे अभी गिरावट देखने को मिले तो ये बहुत बड़ा चांसेस हमें देखने को मिलता है। सेक्टर का पीई रेशियो देखेंगे तो 37 के आसपास देखने को मिल रहा है और इसका जो पीई रेशियो लगभग 13 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से और भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है, संकेत हो सकता है, पॉजिटिव संकेत है इसमें हमें इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। अगर कंपनी इंफॉर्मेशन में कॉर्पोरेट एक्शन में हमें डिविडेंड देखे तो लगभग 3 रुपये का डिविडेंड 2020 में दिया था, 3 रुपये का डिविडेंड 19 में दिया था, 3 रुपये का डिविडेंड 2018 में, 3 रुपये का डिविडेंड 2017 में। अगर ये आपको प्राइस बहुत ही कम लग रहे पर 3 रुपये, लेकिन अगर लाखों में या करोड़ों में शेयर्स होते तो आप 3 रुपये भी कंपेयर कर उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट लगते देखने को मिलते हैं। तो प्रमोटर्स जितना भी या इनके देखेंगे, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपना जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी शेयर होल्डर को बांटती है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट होता है। डिविडेंड अगर प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी रखे, ये भी यहाँ पे आप देख चेक कर सकते दोस्तों, प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी नहीं रखे ये, तो ये पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा है, मैंने आपने पहले भी दिखाया था कि लगभग 66% के आसपास है। मतलब प्रमोटर इतना ध्यान देगी कंपनी कैसे ज़्यादा बेटर वर्क कर सकती है। तो ऐसे कंपनी के बारे में आपको डेफिनेटली रिसर्च करना है, नॉलेज पर्पज के लिए ये वीडियो है और आपको ऐसे ढूंढते रहना है दोस्तों जिसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप ऐसा करता हूँ ये वीडियो को आपको पसंद आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट क्लियर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।